महाकल्याण, जिस पे भोले भंडारी की कृपा हो, तो ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। सर्दी में अगर कुछ दान करना चाहिए तो मेरे ख्याल से कंबल सबसे बेस्ट चीज़ है। इससे दुआएं भी मिलती हैं और समाज का भी भला होता है। तो कुछ लोग शराब बांटते हैं, मीट बांटते हैं, पैसे देते हैं, उससे अच्छा कंबल दान सबसे अच्छा है। क्योंकि सर्दी इतनी पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में, अभी 5-6 दिन से शीतलहर चल रही है। ये सबसे अच्छी एक आइटम है जो कि हमेशा सदा बहार है। जो भी ओढ़ता है उसके मन से दुआएं ही निकलती हैं। ये सबसे अच्छा दान है। देखिए सब कितने खुश हैं। हा हा हा, मज़ा आ गया। हाँ जी, सेवा चल रही है देश की। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया, ऐसी देश की सेवा करो, अच्छे देश का नवनिर्माण करो। ये देखिए जी, सेवा करने वाले श्रद्धालु आ रहे हैं। ये सब भोले भंडारी की कृपा है। पूरे जितने हमारे भगवान हैं, उनमें से सबसे जो कृपालु भगवान है वो है भोलेनाथ जी। ये कहावत है कि जिस पे भोलेनाथ की कृपा होती है उसे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। और एक भोले भंडारी भगवान ऐसे हैं जो कि बिना हिसाब किताब के देते हैं आदमी को। अब ब्रह्मा के पास जाओ, वो पोथी खोलेगा। विष्णु महाराज जी भी खोलेंगे कि तुम्हारे नसीब में ये है ये नहीं है। सिर्फ एक शिवजी महाराज जी ऐसे हैं, वो कहते हैं दो बेटा इंजॉय करो। जो देख रहे हैं कि भोलेनाथ की कृपा से प्रोग्राम जारी है, सेवा जारी है। और मैं प्रार्थना करूँगा कि ऐसे ही सेवा चलती चले और सालों तक ये सेवा होती रहे, ताकि देश का समाज का निर्माण होता रहे। बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत शानदार तरीके से सेवा जारी है। गर्म कंबल बांटे जा रहे हैं ताकि दुआएं मिलती रहें। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा माहौल, शानदार माहौल। धुंध है पूरी, आसमान साफ नहीं है, पूरा कोहरा छाया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं आसमान काला हुआ है। और अभी शीतलहर का चौथा दिन है दिल्ली NCR के अंदर, और उसी के अंदर ये शानदार प्रोग्राम किया गया भोलेनाथ की कृपा से। और अभी न्यूज़ में भी आ रहा है कि 4-5 दिन शीतलहर और चलेगी, उसी के बाद ही मौसम साफ होगा। तो ये आप देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर एक समाज सेवा का काम किया जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हम ऐसे ही देश का नव निर्माण करते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।